भारत बचाओ आंदोलन में सिंगरौली समाज सेवी महिलाओं के द्वारा आगाज किया गया, जिसमें रेहाना सिद्दीकी एडवोकेट द्वारा एनआरसी सीएए एनपीआर के विरोध में उद्बोधन भी दिया गया और कहा गया कि हम भारत देश की टुकड़े होने नहीं देंगे। संविधान बचाओ भारत बचाओ आंदोलन में रेहाना सिद्दीकी ने बताया कि समाज सेवी महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल शाहीनबाग दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें शामिल दादियों से मुलाकात कर उनके हौसला अफजाई किया गया। रेहाना सिद्दीकी एडवोकेट के द्वारा एनआरसी सीएए एनपीआर के विरोध में उद्बोधन भी दिया गया और बताया गया कि हम भारत देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें अपनी जान की आहुति क्यों ना देनी पड़े, हम सब लोगों को मिलकर भारतीय संविधान को बचाना है जिससे हमारा भारत देश बचा रहे। इस अवसर पर मुस्लिम वुमेन वेलफेयर के अध्यक्ष रेहाना सिद्दीकी, समाज सेवा शाहीन बानो उपस्थित रही। इस अवसर पर मुस्लिम वुमेन वेलफेयर के अध्यक्ष रेहाना सिद्दीकी, समाज सेवी शहनाज बानो उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सिंगरौली में भारत बचाओ संविधान बचाओ का आंदोलन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज सेवी महिलाओं द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जाएगा। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।